स्टॉप। हेलो भाई, नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह, आप सभी लोगों का आपके अपने पसंदीदा चैनल सुधाकर सिंह एजुकेशन आप पर हार्दिक बधाई और अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सारे लोग बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार एक किसी को जुड़ने जा रहे होंगे। दोस्तों, मित्रों, आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो चर्चा करेंगे कि जो हमारे यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हुई है, पारित हुई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आज बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, नई शिक्षा नीति 2020 पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें क्या क्या नई बातें हैं और कौन सी चीजें हैं जो परिवर्तित हुई हैं। तो दोस्तों, पहले जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी, वह शिक्षा प्रणाली थी 10+2 की, वह लागू हुई थी, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। अब उसको जो बदल करके कर दिया गया है 5+3+3+4, इसके रूप में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, तो बात करेंगे सबसे पहले कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्या? कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। बात समझ में आई हो? यू आर अंडरस्टैंड? यस। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली थी, वह शिक्षा प्रणाली थी 10+2 की शिक्षा प्रणाली थी, लेकिन अब जो शिक्षा प्रणाली होगी वह शिक्षा प्रणाली होगी 5+3+3+4 के रूप में। कौन सी होगी? 5+3+3+4 के रूप में विभाजित की गई है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, वह 5+3+3+4 के रूप में विभाजित की गई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जब हमारे यहाँ पर बच्चा आएगा, सबसे पहले तो उसकी उम्र होगी, वह 3 साल की उम्र में बच्चा स्कूल आएगा। जो आएगा उसको खेल विधि के माध्यम से, जो मॉन्टेसरी विधि हुआ करती थी, उसके माध्यम से बच्चा को सिखाया जाएगा। जब वह 3 साल की एज में आएगा तो उसको सबसे पहले सिखाया जाएगा जिसको दिया गया नाम है फाउंडेशन कोर्स। नाम दिया गया है क्या? फाउंडेशन कोर्स। उसकी नींव रखी जाएगी, फाउंडेशन मतलब नींव रखी जाएगी बच्चे की। जब 3 साल की उम्र में आएगा बच्चा, उसको खेल के रूप में सिखाया जाएगा वहां पर। उसके बाद अगली कक्षा में जाएगा तो दूसरे साल सिखाया, किताबी बोझ को कम किया जाएगा। क्या? किताबी बोझ जो है उसको कम किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें तो शिक्षा की नींव को रखना, क्या? शिक्षा की नींव को रखा जाएगा 3 साल तक। कितने साल तक? 3 साल तक बच्चे को खेल विधि के माध्यम से सिखाया जाएगा। उसके बाद चौथे साल जब बच्चा आएगा, तब वह कक्षा 1 में उसका प्रवेश होगा। कितने में होगा? कक्षा 1 में प्रवेश होगा। 3 साल के बाद बच्चे का कक्षा 1 में प्रवेश होगा। उसके बाद बच्चा 2 में जाएगा। बात समझ में आई होगी? आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, जब ये बात किसकी हुई है? 5 की बात की हमने। किसकी बात की है? 5 की बात की है, जिसमें बताया गया है कि 3 साल की एज में बालक आएगा, जिसको सबसे पहले फाउंडेशन कोर्स जो है नाम रखा गया, उसको सिखाया जाएगा, जिसका नाम रखा गया फाउंडेशन कोर्स। 3 साल तक बच्चा जो है खेल विधि के माध्यम से सीखेगा, खेल खेल के माध्यम से सारी चीजें उसको बताई जाएगी। 3 साल के बाद बालक कक्षा 1 में जाएगा। और यही चीजें 5 बताई गई हैं कि फाउंडेशन कोर्स नाम दिया गया उसको, किताबी बोझ को कम करना है, उसके बाद शिक्षा की नींव को रखा जाएगा। उसके बाद जब बालक कक्षा 1 में आएगा था, उसके बाद +3 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? +3 की बात करेंगे। +3 में जब बालक जाएगा, यानी कि कक्षा 3 में जब बालक जाएगा, तो वहां पर बताया गया है कि बालक को क्या किया जाएगा, जो बच्चा होगा उसको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। किसके लिए? भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा भाई। किसके लिए? फ्यूचर के लिए रेडी किया जाएगा, भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा जब कक्षा 3 में बालक जाएगा। उसके बाद अगली कक्षा में जाएगा तो बताया गया है कि विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानवीय विषय से उसका परिचय कराया जाएगा। कब? कक्षा 4-5 में जब बालक जाएगा, तब उसका परिचय किससे कराया जाएगा? तब उसका परिचय विज्ञान से कराया जाएगा, गणित से कराया जाएगा और कला से कराया जाएगा।
तय करवाया जाएगा जब बालक चार पांच में पहुंचेगा। उसके बाद आगे अगर हम बात करें प्लस थ्री, किसकी प्लस थ्री की बात करेंगे, जब बालक कक्षा छह में पहुंचेगा, सात में पहुंचेगा और आठ में पहुंचेगा, कक्षा छह सात आठ में प्लस थ्री में जब पहुंचेगा तब उसका क्या होगा कि निश्चित पाठ्यक्रम पर अध्ययन कराया जाएगा। किस पर? जब कक्षा छह सात आठ में बालक पहुंचेगा तब उसको क्या कराया जाएगा, निश्चित पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाएगा गाइस। उसके बाद अगर हम बात करें प्लस फोर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, प्लस फोर की बात करेंगे, इसकी प्लस फोर की, जब बालक नौ दस ग्यारह बारह में पहुंचेगा तब क्या होगा, तब बताया गया है कि जब कक्षा नौ में बालक पहुंचेगा तो विश्लेषण करवाया, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना, उसकी मानसिक सोच को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, विश्लेषण क्षमता को बढ़ाना होगा, क्या करना होगा, विश्लेषण, उसकी मानसिक क्षमता को बढ़ाया जाएगा जब बालक कक्षा नौ में पहुंचेगा। उसके बाद बात करें कि बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए जब बालक कक्षा दस में पहुंचेगा तब उसको बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित किया जाएगा, किसके लिए, बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा बालक को, किसमें, जब कक्षा दस में बालक पहुंचेगा, नौ दस ग्यारह बारह में पहुंचेगा तो क्या होगा कि उसको बड़े लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद अगर बात करें तो संकाय व्यवस्था समाप्त की जाएगी। संकाय व्यवस्था की बात करें, हमारे यहाँ पर जैसे होता था कि आर्ट साइड और साइंस साइड, कला संकाय और विज्ञान संकाय की जो व्यवस्था होगी उसको क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। और आगे बात करें यहाँ पर नए पुल का निर्माण किया जाएगा, क्या किया जाएगा, नए पुल का निर्माण किया जाएगा, नए पुल का निर्माण किया जाएगा जब बालक 9, 10, 11, 12 में पहुंचेगा तभी से उसको जो है प्रेरित किया जाएगा। ये हम लोगों ने जो बात की है, किस पर चर्चा की है, जो चर्चा की है वह 5+3+3+4 पर चर्चा की है, जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020, उसके बारे में हमने अभी आपको डिस्कस किया। आगे और क्या पॉइंट है, उन पॉइंटों पर भी हम लोग चर्चा करेंगे बारी बारी से और बताएंगे क्या है। सबसे पहले बात जो कही गई है इस नई शिक्षा प्रणाली में, बताया गया है कि पांचवी कक्षा से ही, कब, पांचवी तक की शिक्षा, जो पांचवी तक की जो शिक्षा होगी उसकी मातृभाषा, उनकी मातृभाषा में या उनकी बोलचाल की भाषा में दी जाएगी। क्या, पांचवी तक की जो शिक्षा होगी उनकी मातृभाषा जो होगी, कोई जैसे हिंदी बोलता है या कोई उर्दू बोलता है या कोई भोजपुरी भाषा बोलता है, जो उसकी लोकल एरिया की जो भाषा होगी उसी भाषा में उसको क्या होगा, कक्षा एक से लेकर के पांच तक की जो शिक्षा होगी उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। किसमें दी जाएगी गाई, उसकी मातृभाषा में दी जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो आपको इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है नई शिक्षा नीति में, उसमें बताया गया है कि अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं होगी। अंग्रेजी अब तक एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, कैसे, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। और बताया गया है कि छठवीं कक्षा में कंप्यूटर सीखने का मौका होगा, क्या, छठवीं कक्षा में कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर कोडिंग सीख सकेगा। छठवीं कक्षा से ही बालक को क्या होगा, कंप्यूटर सीखने का मौका मिलेगा और जहां पर वह क्या करेगा, कोडिंग डिकोडिंग जो होती है उसको सीख सकेगा। अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो विशेष रुचि होने पर इंटर्नशिप का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिस विषय में बालक अच्छा करता होगा, या पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे गमार, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, ऐसा नहीं अब है। अब क्या, अगर आपकी खेल में ही अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको उसको बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए आपको प्रेरित किया जाएगा। अगले पॉइंट की अगर बात करें तो नौवीं से बारहवीं तक की परीक्षा सेमेस्टर प्रणाली द्वारा या मॉडल पर आधारित होगी, कैसे, सेमेस्टरों पर आधारित होगी।
उसके बाद अगर बात करें कि छात्रों के व्यवहार, उनके पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अवलोकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आगे अगर पॉइंट की बात करें तो रजिस्ट्र का निर्माण, रजिस्ट्र का निर्माण बालक के समग्र अवलोकन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो लिखा है उसमें आप सारी चीजें देखी जाएंगी, आपने किस पर क्या लिखा है उसका अवलोकन करने के बाद ही आपका रिजल्ट कार्ड बनेगा। आगे बात करें कि रिपोर्ट का कार्ड 360 डिग्री आकलन एवं अनुकूलित आकलन के आधार पर किया जाएगा। क्या 360 डिग्री? जैसे अगर आप बात करें ये पड़ी हुई रेखा है, ये पड़ी हुई रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये पड़ी हुई रेखा जो होती है, जैसे बात करें ये रेखा है एक पड़ी हुई, ये कितने डिग्री का कोण बनाएगी? ये 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर ये पूरी तरीके से घूम जाए तो 180 इधर का हो जाएगा, टोटल ये बन जाएगा 360 डिग्री का कोण। तो पूरा आपका अवलोकन किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद अगर अगले पॉइंट पर बात करें हम लोग, तो परीक्षा अपने पसंद की भाषा में देने की स्वतंत्रता होगी। बालक जो होगा अपनी जो भाषा होगी उस भाषा में ही परीक्षा दे सकता है, स्वतंत्र होगा, जो भाषा चाहेगा बालक उस भाषा में बालक परीक्षा दे सकता है। छात्र एवं स्वयं अपना अपने सहपाठी और शिक्षक तीनों मिलकर प्रत्येक विद्यार्थी का आकलन करेंगे। कौन कौन? छात्र होगा, उसका सहपाठी होगा और शिक्षक, तीनों मिलकर के क्या करेंगे? तीनों मिलकर के ही जो है अवलोकन करेंगे प्रत्येक विद्यार्थी का और बताएंगे उसका रिजल्ट कार्ड के बारे में। बात समझ में आई हो? मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। भाषा है कि नहीं है? उसके बाद अगर बात करें तो CAT प्रणाली लागू, कौन सी? CAT प्रणाली लागू की गई है इस पर। उसके बाद अगर बात करें कि कॉलेज स्तर पर क्या होगा, तो उस पर भी कुछ बातें हैं, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। जैसे मान लो आप कोई कोर्स करते थे, मान लो आप BA कर रहे थे, क्या कर रहे थे? BA कर रहे थे या BSc कर रहे थे, इसके साथ साथ आपने कोई डिप्लोमा किया, क्या किया? डिप्लोमा भी करना चाहते थे और आपने क्या किया, एक साल तक उसको कर पाया या 50% कर पाया या 15% कर पाया, तो क्या होता था? वो डिग्री आपकी मान्य नहीं होती थी। तो वही व्यवस्था है यहाँ पर, मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट व्यवस्था लागू की गई है। जैसे इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी व्यवस्था लागू की गई है। अगर आपने जो है कोई डिप्लोमा उसके साथ साथ किया, अगर 15% कर लिया तो 16% से आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? अगर आपने 50% कर लिया तो 51% से आगे आप करना स्टार्ट कर देंगे, राइट? बात समझ में आई होगी। उसके बाद अगर बात करें क्या इसके लिए एकेडमिक क्रेडिट बैंक जैसी व्यवस्था लागू की गई है। उसके बाद ग्रेजुएशन में अगर हम लोग बात करें, किस्मत ग्रेजुएशन पर बात करेंगे, तो ग्रेजुएशन में वर्ष के आधार पर प्राप्त शैक्षिक उपलब्धि क्या है? जैसे कोई व्यक्ति अगर पहले मान लो कोई ग्रेजुएशन करता था, क्या करता था? ग्रेजुएशन करता था, मान लो उसने एक साल तक ग्रेजुएशन कर पाया तो उसको भविष्य में उसका कोई फायदा नहीं मिल पाता था। अगर वह लगातार 3 साल तक डिग्री करता था, BA BSc करता था, तभी उसको जो है बैचलर डिग्री दी जाती थी। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में क्या है, ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया है कि अगर आपने मान लो एक वर्ष तक जो है क्या किया, BA BSc कुछ कर पाया, तो उसका आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं और उसका आपको फायदा मिलेगा। जिसका नाम दिया गया है एक वर्ष की जो डिग्री होगी उसका जो नाम है सर्टिफिकेट कोर्स, किसके नाम से जाना जाएगा? उसे सर्टिफिकेट कोर्स के नाम से जाना जाएगा। अगर आपने 2 वर्ष की डिग्री की है या 2 वर्ष पर अगर कोई आपने डिग्री की है तो उसे डिप्लोमा कोर्स के नाम से जाना जाएगा। किसके कोर्स से? डिप्लोमा कोर्स के नाम से जाना जाएगा। अगर आपने 3 वर्ष पर डिग्री की है तो आपको बैचलर डिग्री, बैचलर कोर्स के नाम से उसे जाना जाएगा, बैचलर डिग्री आपको दी जाएगी। उसके बाद अगर बात करें 4 वर्ष तक आपने कुछ किया है तो आपको रिसर्च प्लस डिग्री
दोनों चीजें दी जाएंगी। क्या? रिसर्च प्लस डिग्री। 4 वर्ष तक अगर आपने किया तो आपको रिसर्च प्लस डिग्री चारों चीजें दी जाएंगी। आगे अगर उच्च शिक्षा की अगर हम लोग बात करें तो वहां पर बताया गया है उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी कला और संस्कृत की शिक्षा पर जोर दिया गया है। किसकी शिक्षा पर? तो उच्च शिक्षा संस्थानों में मानविकी कला और संस्कृत की शिक्षा पर जोर दिया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो स्कूल कॉलेज निर्धारित फीस जो फीस होगी स्कूल कॉलेज जो होंगे वह निर्धारित फीस से ज्यादा अब नहीं वसूल पाएंगे। इसके लिए भी रूल बनाया गया है। अगर ऐसा करता हुआ कोई भी प्रिंसिपल या प्रधानाचार्य जो भी होगा अगर पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई आगे अगर हम लोग बात करें तो ECCE प्रणाली लागू की गई है। जो इस नई व्यवस्था में क्या है ECCE प्रणाली लागू की गई है। उसके बाद अगर बात करें सभी को सामान्य साक्षरता व संख्यात्मक ज्ञान से जोड़ा जाना 2025 तक लक्ष्य को रखा गया है। बात समझ में आया? उसके बाद बताया गया कि इसके लिए राज्य सरकार को कम समय में शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया निश्चित समय के अंतराल में पूरा करना होगा। जो भर्तियां होती हैं जैसे आपने देखा होगा अभी शिक्षक भर्ती है वह क्या 2 साल से जो है सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काट रही है, कोर्ट कोर्ट खेला जा रहा है। लेकिन अब नई शिक्षा नीति जो होगी उसमें कहा गया होगा कि आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, उस नोटिफिकेशन में ही तय करना होगा कि आपको इतने समय के अंदर जो है भर्ती करनी ही पड़ेगी। एक निश्चित अंतराल में आपको क्या करना होगा जो है भर्ती करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर बात करें सामान्य कक्षा में छात्र शिक्षक का जो अनुपात होगा वह कितना होगा? 30:1 होगा। कितना? 30 छात्र पर एक शिक्षक होगा। कितने? 30 छात्र पर एक शिक्षक होगा। अगर कहीं पर भी अगर पिछड़ा इलाका है तो वहां पर जो व्यवस्था है उसको कम कर दिया जाता है। वो कम करने के हिसाब से क्या है उसको जो है 25 छात्रों पर जो है एक शिक्षक को रखा जाएगा। कितने? 25। जो पिछड़े इलाका है वहां पर क्या होगा कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक को रखा जाएगा। जहां पर पिछड़ा इलाका होगा वहां पर जो है 25 छात्रों पर अनुपात कम कर दिया जाता है, 25 छात्रों पर एक को शिक्षक को रखा जाता है। और वही अगर बात करें हम आपको यहाँ पर अध्यापक बनने के लिए तो अध्यापक बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप बीएड होंगे आपको क्या करना पड़ेगा? टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपको सुपर टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा जहाँ पर आप जाएंगे डेब्यू करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, पढ़ा करके दिखाना पड़ेगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू दिया जाएगा। आपको शिक्षक बनने के लिए इस सारी चीजों से क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कम से कम लाइक तो बनता ही है। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है उसके लिए आपको थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।